हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ड्राइंग एंड कलरिंग बुक में पेज नंबर 33 का कंप्लीट किया था और यहाँ तक आप सबने होमवर्क भी कर लिया होगा। आज हम नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट पेज में हमें किसका पिक्चर दिया है बच्चों? एरोप्लेन का पिक्चर। ए फॉर एरोप्लेन, जो है एयर ट्रांसपोर्ट, जो हवा में उड़ता है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम जो ये डॉट्स है वो सारे डॉट्स ज्वाइंट कर देंगे। और कौन से कलर से बच्चों डॉट ज्वाइंट करेंगे? ब्लैक कलर से। आप सब लोग भी आप सबकी ड्राइंग एंड कलरिंग की बुक में पेज नंबर 34 निकाल लेना, वहाँ पे आपको दिया है एरोप्लेन का पिक्चर। तो अब हम ये जो डॉट है वो ज्वाइंट करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप सब लोग भी मेरे साथ ये डॉट ज्वाइंट करते जाना। कहीं बच्चे तो एरोप्लेन में तो बैठे भी होंगे। इस तरह से आपको अच्छे से डॉट ज्वाइंट करना है और ये पूरा एरोप्लेन का पिक्चर कंप्लीट करना है डॉट ज्वाइंट करके बच्चों। तो बच्चों ये सारे डॉट ज्वाइंट हो गए। अब हम कलर करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप सबको येलो कलर लेना है। आपको यहाँ पे येलो कलर करना है। फिर आपको यहाँ पे भी येलो कलर करना है और नीचे आपको जो ये दिया है उसमें भी आपको येलो कलर करना है। जो एरोप्लेन के पंख होते हैं उसमें आपको येलो कलर करना है। बच्चों ये येलो कलर कंप्लीट हो गया है। अब हम एरोप्लेन का जो ये बीच का पार्ट है उसमें कौन सा कलर करेंगे बच्चों? रेड कलर करेंगे। आप सब लोग भी मेरे साथ रेड कलर करते जाना बच्चों। बच्चों इस तरह से आप सबको धीरे धीरे कलर करना है, कलर बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से आप पूरे एरोप्लेन में रेड कलर करके कंप्लीट कर दीजिए बच्चों। तो बच्चों ये रेड कलर कंप्लीट हो गया है। अब हम ये 1, 2 और 3 में कौन सा कलर करेंगे बच्चों? पैरट कलर करेंगे। आप सब लोग भी मेरे साथ पैरट कलर करते जाइए बच्चों और कलर बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हम ये जो लास्ट है उसमें कौन सा कलर करेंगे बच्चों? पर्पल कलर करेंगे। और पर्पल कलर करते ही हमारे एरोप्लेन का पिक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों ये एरोप्लेन का पिक्चर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें किसका पिक्चर दिया है बच्चों? कैप का पिक्चर, जो आप सब अभी कैप पहनते होंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप है, यानी कि समर चल रहा है। तो समर में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम कैप का यूज़ करते हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो पहले हम इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक कलर से ज्वाइंट कर देते हैं। बच्चों आप सबको भी ये डॉट है वो बहुत अच्छी तरह से ज्वाइंट करना है। ये हम किस में आउटलाइन कर रहे हैं बच्चों? किसका पिक्चर है? कैप का पिक्चर। आप जब मकर संक्रांति में पतंग चगाते तब भी आप कैप का यूज करते होंगे, तब भी आप कैप पहनते होंगे, है ना बच्चों? तो ये कैप में मैंने आउटलाइन कर दी है। तो अब आपको कलर इसमें होमवर्क में कंप्लीट करना होगा बच्चों। तो ये वाला पेज आपको होमवर्क में मिला है। आपको यहाँ पे कलर देखते जाना है और इसमें आपको कलर करते जाना है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट पेज है वो हमारी ड्राइंग और कलरिंग का लास्ट पेज है।
तो लास्ट पेज में हमें किसका पिक्चर दिया है बच्चों, बर्ड का पिक्चर। यहाँ पे लिखा भी है क्यूट लिटल बर्ड, यानी कि ये जो बर्ड है वो बहुत ही क्यूट है और लिटल यानी कि छोटा सा भी है। तो उसमें हम कलर करेंगे, तो पहले हम उसके फेस में कलर करेंगे। इसके फेस में कौन सा कलर है बच्चों, येलो कलर है, तो यहाँ पे हम येलो कलर करेंगे। आप सबको इसमें आउटलाइन और कंप्लीट करके दिया है, हमें सिर्फ इसमें कलर ही करना है। तो आप इसमें येलो कलर करके कंप्लीट कीजिए और ये जो पंख है उसमें भी आपको येलो कलर करके कंप्लीट करना है। बच्चों ये येलो कलर कंप्लीट हो गया है, अब हम उसके पूरे बॉडी में कलर करेंगे। तो बच्चों ये हम कौन से पिक्चर में कलर कर रहे हैं, क्यूट लिटल बर्ड, यानी कि छोटा जो बर्ड है कैसा बर्ड है वो बहुत क्यूट है। इस तरह से आपको ये बर्ड की जो पूरी बॉडी है उसमें कलर करके कंप्लीट करना है। तो बच्चों ये बर्ड का पिक्चर भी कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने कौन कौन से पिक्चर में कलर किए बच्चों, पेज नंबर 34 पे हमने एरोप्लेन में कलर किया, फिर पेज नंबर 35 पे हमने कैप है उसमें आउटलाइन कर दी और इसमें कलर आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, और लास्ट पेज में हमें बर्ड में कलर किया। तो आप सबको भी आपकी जो ड्राइंग और कलरिंग की बुक है उसमें ये तीनों पिक्चर में कलर करके कंप्लीट करना है।